नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बींग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो रिपीटेड सभी बीएड अभ्यर्थियों के मन में है कि 2 साल का जो बीएड कोर्स है क्या वो बंद हो रहा है? ये बीएड कोर्स अगर है तो कब तक है? जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बीएड कोर्स 2 साल का कर लिया है उनके फ्यूचर का क्या होगा, या जो स्टूडेंट्स अभी बीएड 2 ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा? तो इस वीडियो में आप सभी के इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं विस्तार से दूंगी। प्रॉपरली गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं, क्या ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया है, मैं यह सब आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टीचिंग की दुनिया में जो भी फेरबदल होते हैं, अपडेट्स जो भी आते हैं, वो आपको सर्वप्रथम बारीकी के साथ डिटेल में विद प्रूफ बताए जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया सिग्रोहा और मैं तकरीबन 12 साल से टीचिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। अभी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम कर रही हूँ और मैंने भी कभी 2 साल का बीएड किया था। और जब मैंने किया, उससे पहले जो है एक ही साल का बीएड होता था, और जैसे ही मैंने बीएड करने का सोचा, मेरी ग्रेजुएशन हुई, तभी बीएड 2 साल का हो गया था। ठीक है, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था और बड़ा दुख भी आया था कि काश 1 साल पहले ग्रेजुएशन किसी तरह पूरी हो जाती तो 1 साल में ही मैं भी बीएड करके निपट जाती। परंतु ये सच्चाई है, चीजों में फेरबदल होता रहता है और अब हमें फिर से देखने को मिला। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि 1 साल का बीएड कोर्स जो है वो ऑलरेडी पिछले साल से, वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने लागू कर दिया था, और इस साल से अधिक यूनिवर्सिटीज जो है, और ज्यादा यूनिवर्सिटीज उसको लागू करेंगी। तो उसी में ही स्टूडेंट्स के डीएम आने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैडम ये बताइए 2 साल की बीएड जो है वो बंद होगी या नहीं होगी, उसका क्या रहेगा? तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमें पता है, आपको विद प्रूफ मैं हर चीज दिखाती हूँ। एंड ये है नई शिक्षा नीति, ये रही, ठीक है। नई शिक्षा नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 में आई थी। इससे पहले 1986 में हमें शिक्षा नीति देखने को मिली थी, आप लगा लीजिए 1986 में आई, और उसके बाद 2020 में आती है। बीच बीच में ये अपडेट होती रहती है। इसका मेजर अपडेट जो है 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में इसको रिव्यू किया गया था, जिसको हम रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है हमें 2020 में ही शिक्षा नीति देखने को मिली है, जबकि बहुत गैप यहाँ पे हो गया था। इसी के पेज नंबर 24 पे हम आएंगे, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप इत्मीनान से अपने फ्री टाइम में पढ़ लेना। ये रहा इसका पेज नंबर 24, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ, मैंने इसका कटआउट लेके ऑलरेडी यहाँ पे पीपीटी में फिक्स किया हुआ है। ये है, अब देखिए इसमें यहाँ पे बोला गया है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री रहेगी टीचर बनने के लिए, वो सिर्फ एक ही डिग्री कोर्स रहेगा, वो है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स, ठीक है। साथ में इन्होंने अभी बोला है कि 1 ईयर का बीएड भी चल रहा है, साथ में 2 ईयर का बीएड भी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर तो सिर्फ एक में ही है, आगे जाके एक ही कोर्स रहेगा, वो रहेगा 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम, जिसको हम आईटेप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईटीईपी इसको बोलेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो अब ये बीएड जो है 4 साल का हो जाएगा, जिसके अंदर आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड कराया जाएगा, ठीक है, ये बात रही। अब बात आती है 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड, इसका क्या होगा? 1 साल का बीएड देखिए चल रहा है, और ये 1 साल का बीएड रहने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन प्लस अपनी मास्टर्स कर चुके हैं, ये 1 साल का बीएड है उन स्टूडेंट्स के लिए। अभी 2 साल का बीएड चल रहा है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो 2 साल का बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर यूनिवर्सिटीज इसको करा रही है, और इस साल भी इसमें बढ़ चढ़कर एडमिशन हो रहे हैं, ये कोर्स बंद नहीं हुआ है। पर हाँ,
2030 तक ये कोर्स जो है आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं। 2030 तक जो है 2 ईयर जो बीएड कोर्स है इसका बंद हो जाएगा ये प्रॉपरली, ठीक है, ये नहीं रहेगा फिर। पर 2030 तक ये कोर्स है, तो जो स्टूडेंट्स अभी अपनी 12th पास करके टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और कहीं एडमिशन नहीं लिया है किसी ग्रेजुएशन में या और कहीं, तो आप सीधा ये 4 साल का बीएड करिए, ठीक है, ना कि ग्रेजुएशन और फिर 2 साल का बीएड, या आप सोचे ग्रेजुएशन कर लूं, मास्टर कर लूं, फिर 1 साल का बीएड कर लूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और बीएड इस 4 साल में हो जाएगी, ठीक है, आपको दोबारा से ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बीएड 2 साल वाला कर चुके हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं, और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं अभी फिलहाल इस कोर्स को, तो उनका अब फ्यूचर क्या है? तो ऐसा नहीं है कि ये डिग्री अब वैलिड नहीं रहेगी, ये डिग्री वैलिड है, प्रॉपर अच्छे से वैलिड है, इसका कोई इसकी मान्यता इससे नहीं छीन रहा है, ये बीएड कोर्स जो है वो रहेगा। एंड अभी जो स्टूडेंट्स, लेट सपोज कोई बच्चा है जो अभी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, या सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में है, या थर्ड ईयर जो है ग्रेजुएशन में है, तो ये सभी आगे जाके बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ये बच्चा 2 साल बाद लेगा, मतलब ये 2 साल करने के बाद तीसरे साल में एडमिशन लेगा बेसिकली। ये बच्चा जो है अपने 1 साल की और थर्ड ईयर करेगा अपना, फिर एडमिशन लेगा, तो तकरीबन 2 साल। ये तीन ईयर वाला बच्चा जो है ये अगले साल जो है एडमिशन लेगा जो थर्ड ईयर में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ले सकते हैं। जिनका हाल ही में एडमिशन हुआ है वो भी आगे बीएड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एकदम से कोई चीज बंद नहीं करती है। 2020 में उसने अपना, गवर्नमेंट ने बता दिया अपने एजुकेशन पॉलिसी में कि हमारा विजन 2030 तक क्या है, ठीक है, एकदम से बंद नहीं किया, तो वो बीएड कर सकते हैं। पर अब अगले साल से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में ये सोच के एडमिशन लेंगे कि हम आगे बीएड करेंगे, ये उनके लिए एक रेड अलर्ट है, कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 2020 में बता चुकी है। अब आप सोच रहे हो कि मैं 3 साल का अपना बीएड कोर्स करूं, सॉरी 3 साल का अपना ग्रेजुएशन करूं, और उसके बाद 2 साल का बीएड करूं, तो तब तक लाल झंडी बीएड को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अभी 3-4 साल बीएड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद इसके बंद होने की पूरी पूरी आशंका है, और 2030 तक तो 100% ही होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी शिक्षा नीति में मेंशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये लिखा हुआ है। तो आप सभी अभी जो कर रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, अपनी ग्रेजुएशन करो आराम से, ग्रेजुएशन हो गई है तो उसके बाद बीएड करो अपनी। बट अब जो स्टूडेंट्स 12th में है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करो, ना कि ग्रेजुएशन और बीएड, ये पैटर्न अब आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2 साल का जो बीएड कोर्स है वो अब बंद नहीं है। अगर आपको कहीं से ये न्यूज मिल रही है वो ये तो बंद हो गया, अब तो कोई इसका आगे फ्यूचर नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट डिग्रीज ये वैलिड है, ये गवर्नमेंट डिग्री, और साथ में जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ रही है उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड की ही है, और ऐसा रहेगा आगे, ठीक है, 2030 के बाद ये बंद हो जाएगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2-3 साल की आप प्रिपरेशन करते हो, और गवर्नमेंट जॉब आप ऑब्वियसली क्रैक कर लेते हो इतने टाइम पीरियड में, तो काफी वैकेंसीज, जैसे हम बात करें केवीएस की भी निकलती है, DSSS की भी निकलती, DSSSB की भी निकलती है, एनवीएस में भी निकलती है, सैनिक स्कूल्स हो गए, आर्मी स्कूल्स, तो इनमें निकलती रहती है, ठीक है। साथ ही बात करें तो हर स्टेट के भी स्कूल्स में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप अप्लाई उनके लिए बिल्कुल कर सकते हो। चैनल के माध्यम से जितनी भी मेजर वैकेंसीज आती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ, और टेलीग्राम पे आपको उनका प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट निकलती है ऑफिशियल पीडीएफ, उसका मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट्स आगे जॉब सीख करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो वो हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आपको आते ही वहां दे दी जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपका रियलिटी चेक था बीएड की 2 ईयर डिग्री का।
आई होप इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर कट आप सभी को हो गया होगा। जो भी बीएड कोर्स के बारे में दो बातें यहाँ पे मेंशन थी, तो वो दोनों देखिए स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, आप आराम से जाके वहां पे डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। ये पीपीटी जो दिखा रही हूँ मैं आपको, इसका पीडीएफ भी दे दूंगी, और साथ में जो हमारी पूरी शिक्षा नीति है 2020 की, जिसका पीडीएफ अभी मैंने आपको दिखाया, वो भी पूरा पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज वो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, राइट। सो यही जानकारी देनी थी दोस्तों, एंड डोंट गेट कंफ्यूज, अपने आप को किसी के हाथों बेवकूफ ना बनने दें कि आपको ये लगे कि भाई अब मैं क्या करूं, या आप डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस आ जाए इस वजह से। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने यहाँ गोल सेट करो और अच्छा एक अपना फ्यूचर बनाइए इस टीचिंग के करियर में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए, धन्यवाद।